हमारे विदेश मंत्री जी एस जयशंकर जी और यहां उपस्थित सांसदगण, विधायकगण और इतनी बड़ी संख्या में यहां पर एकत्र आए हमारे सभी मोदी जी के को प्यार करने वाले और उनके नेतृत्व को मजबूती प्रदान करते हुए उनके बनाए रास्ते पर चलने वाले हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज जब प्रधानमंत्री जी अपने 5 दिन की 3 देशों की विदेश यात्रा करके अपने देश में भारत में आए हैं और किस तरीके से उन्होंने पिछले 5 दिन में भारत की छवि, भारत के मुद्दे और भारत का गौरव जो बढ़ाया है वह सच में देश के 140 करोड़ जनता को गौरवान्वित भी करता है और इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास के साथ देश को आगे बढ़ाने में पूरा समर्थन करते हुए आगे चलना चाहता है। सबसे पहले मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्वागत करता हूं।
जिंदगी। आप सब लोग आप अगले महीने
हमारे यहाँ अमेरिका में आने वाले हैं और अमेरिका की सरकार एक स्टेट डिनर रखी है और उस स्टेट डिनर में मुझे लोगों की शिकायतें आ रही है कि मुझे भी निमंत्रण चाहिए, आमंत्रण चाहिए, हम भी मोदी जी से मिलना चाहते हैं और इसकी व्यवस्था की जाए। इस तरीके की बातचीत भारत के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी जी के बारे में है। जिस तरीके से आपका स्वागत किया एयरपोर्ट पर, चरण स्पर्श करके जो स्वागत किया, वह बताता है कि उस देश में आपके प्रति जो आदर सम्मान है वह भी इस घटना से हम सबको देखने को मिलता है और 140 करोड़ के देश के लोगों की छाती चौड़ी हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि इस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। अगर हम बात करें, अभी आप परसों सिडनी में थे, कल रात भी, कल भी आप सिडनी में थे, सिडनी के कम्युनिटी रिसेप्शन पे वहां के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि मोदी जी यू आर दी बॉस, ये अपने आप में बताता है कि आज भारत की बदलती छवि और आपकी शख्सियत के कारण किस तरीके से भारत को देखने का, भारत को देखने का नजरिया बदला है। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि जब आप ऑस्ट्रेलिया की धरती पर थे तो उसी समय आपसे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री सिर्फ मिलने के लिए न्यूजीलैंड से वो आकर के ऑस्ट्रेलिया में आपसे मिले। यह भी भारत की और आपकी शख्सियत के बारे में, जो भारत को आपने स्थान दिया है उसके बारे में बताता है। ये सब कुछ जो हासिल हुआ है वो आपकी कड़ी तपस्या, मेहनत, जिस तरीके से आपने हर पल भारत के पक्ष को मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखा है, ये उसका नतीजा है जो हमको आज ये बदलाव देखने को मिलता है। कुछ देश हो सकते हैं जो आपस में सामंजस्य नहीं रखते हो, कुछ देश हो सकते हैं जिनका आपस में एकमतता नहीं हो, कुछ ऐसे भी देश हो सकते हैं जिनकी एकमतता भारत के साथ भी नहीं, लेकिन सभी एक बात से सहमत है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो दुनिया में स्थान है वो किसी अभी भी है, इसके बारे में आम सहमति दुनिया के नेता है। आपको जो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगो, ये आपको जो सम्मान पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, यह आपकी शख्सियत और भारत का बदलता परिवेश ये सामने स्थापित होता है। आपको फिजी के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से जो रिकॉग्नाइज किया गया और ग्लोबल लीडर के रूप में आपको माना गया, यह हम सबको गौरवान्वित करता है। आपको जो हमारे हॉल ऑफ द ग्लोबल साउथ, इसके लिए भी जो सम्मानित किया गया, उसको भी जब हम सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं टीवी पर, तो वह भी हम सबको गौरवान्वित करता है। और आपके ऑस्ट्रेलिया की धरती पर लैंड करने से पहले वहां के हेल्थ पार्क को लिटिल इंडिया के नाम से संबोधित करके उसका नामकरण किया जाता है, यह भी आपकी शख्सियत और भारत के बारे में बताता है। आपने कम्युनिटी के भाषण में सिडनी में, जिसमें आप शिरकत की और आपने दुनिया को वहां से संदेश दिया और भारत के बारे में आपने बताया, आपने जिस तरीके से हमारे अन्य नेता विदेश की धरती पर एक दूसरे पर छींका कसी करते हैं, या इससे यह न करते हुए भारत की कहानी आपने रखी, भारत के आगे बढ़ने की कहानी रखी, इसको दुनिया ने सराहा और साथ ही साथ ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि जब आप भाषण सिद्धि में
हमारे इंडियन कम्युनिटी को दे रहे थे। 20,000 से ज्यादा संख्या वहां उत्सव में थी और दुनिया सुन रही थी। तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वहां उपस्थित थे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री उपस्थित थे, ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता उपस्थित थे, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री उपस्थित थे। ये अपने आप में बताता है कि आपने भारत को जब वहां पर आप रख रहे थे तो आपकी शख्सियत को ध्यान रखते हुए वहां के नेताओं ने किस तरीके से आपको आदर दिया, सम्मान दिया, ये हम सबको गौरवान्वित करता है, इसे हम सबका गौरव करता है। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ मैं एक ही बात कहूंगा कि 5 दिनों में 3 देशों में आपने जो भारत की थमक, भारत की चमक और भारत की विचारधारा, भारत की परंपराएं, भारत की संस्कृति को दुनिया के सामने आगे लाया है, यह सच में हम सब के लिए एक तरीके से गौरव देने वाला है। और आपकी शख्सियत में हम आगे बढ़े इस कामना के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूं। एक बार पुनः आपका सभी लोगों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भारत के विदेश मंत्री आदरणीय एस जयशंकर जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि हम सबको संबोधित करें। आदरणीय जयशंकर जी,